Welcome to all. Today we are going to discuss process synchronization, a topic of operating system. In this slide, we will discuss process synchronization, how process synchronization works, sections of a program, critical section problem, solutions of critical section problem, Peterson's solution, and synchronization hardware. So, first, we will discuss process synchronization. Process synchronization is the task of coordinating and execution of processes in a way that no two processes can have access to the same shared data and resources. Means, hame do process ko coordinate karna hai aur unke execution ko manage karna hai, जिससे कि वो एक ही टाइम पे एक शेयर्ड डेटा या रिसोर्सेज को एक्सेस ना करें. मतलब दो प्रोसेस एक ही टाइम पे एक ही डेटा को एक्सेस ना करें, उनको मैनेज करना इज कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. लेट्स क्लियर इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. इन अ मल्टी प्रोसेस सिस्टम, व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस आर रनिंग टुगेदर एंड more than one processes are trying to gain the access to the same shared resource or data at the same time, this can lead to the inconsistency of shared data. So the changes made by one process not necessarily reflected when other processes accessed the same shared data. To avoid this type of inconsistency of data, the processes need to be synchronized with each other. This is called process synchronization. Means, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोसेस अवेलेबल हैं और वो सेम टाइम पे एक डेटा को एक्सेस करना चाह रही हैं, तो उनमें कुछ एरर आ सकती है, कुछ डेटा ऐसा हो सकता है जो इनकंसिस्टेंस हो. तो इसको मैनेज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. Now, how process synchronization works. Let's see this by the help of this diagram. Here we can see process A कुछ write कर रहा है इस data के ऊपर, और अगर इसी time पे एक process B generate होता है जो इस data को read करने लगता है, तो process A इस पे write operation perform कर रहा है, और उसी सेम टाइम पे अगर प्रोसेस बी इस डेटा पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इट मे बी पॉसिबल कि प्रोसेस बी को जो डेटा यहां से मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट होगा. सो टू मैनेज दैट टाइप ऑफ इनकंसिस्टेंसी, द प्रोसेसेस नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर. दिस इज कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइज. Now we will discuss sections of a program. There are four sections in a program, in which first is entry section. Entry section is a part of the process which decides the entry of a particular process. Means entry section एक ऐसा section है जो ये decide करता है कि किसी process की program में entry होनी है या फिर नहीं होनी है. नेक्स्ट इज क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन अलाउज वन प्रोसेस टू एंटर एंड मॉडिफाई द शेयर्ड वेरिएबल. मींस क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो अलाउ करता है किसी प्रोसेस को कि अब वो किसी डेटा को मॉडिफाई कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है. थर्ड इज एग्जिट सेक्शन. एग्जिट सेक्शन दो तरह से वर्क करता है. एक तो ये बताता है कि क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रोसेस अवेलेबल थी, अगर वो उस डेटा को एक्सेस कर चुकी है, अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है, तो नाउ दिस प्रोसेस प्रोसीड टू एग्जिट सेक्शन. एंड सेकेंड इज अगर एंट्री सेक्शन में कोई प्रोसेस वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, तो एग्जिट सेक्शन बताता है कि अगर उसने किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब क्रिटिकल सेक्शन खाली है,
तो एंट्री सेक्शन से कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ट्रांसफर हो सकती है. दैट मींस एग्जिट सेक्शंस अलाउ द अदर प्रोसेसेस दैट आर वेटिंग इन द एंट्री सेक्शन टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड इट इज आल्सो चेक्स दैट अ प्रोसेस दैट फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन शुड बी रिमूव्ड थ्रू दिस सेक्शन. And the last section is remainder section. Remainder section is the other part of the code which is not in critical entry and exit section. Means जितना भी प्रोग्राम का बाकी बचा हुआ पार्ट है जो एंट्री सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट सेक्शन के बाद बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर सेक्शन. Now we will discuss critical section problem. Critical section is a code segment that can be accessed by only one process at a time. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल सेक्शन में हम सिर्फ एक ही प्रोसेस को अलाउ कर सकते हैं जो कि शेयर्ड डेटा या मेमोरी को एक्सेस कर सके. क्रिटिकल सेक्शन कंटेन्स शेयर्ड वेरिएबल विच नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड टू मेंटेन consistency of data variable. We can see in the diagram that shows all the four section available into a program. First is entry section. Entry section वो section है जहाँ पे processes wait करती हैं critical section में enter होने के लिए. And critical section में we can allow only a single process to enter because in processes can access the shared data. And we have already discussed about exit section and remainder section. And in entry section, the process request for entry in the critical section always. Now we will see the solution of a critical section problem. Any solution to the critical section problem must satisfy the following three requirements. First is mutual exclusion. Mutual exclusion means if a process is executing in its critical section, then no other process is allowed to execute in the critical section. Mutual exclusion means agar ek process critical section mein enter hai तो दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की परमिशन नहीं दी जाएगी. सेकंड इज प्रोग्रेस. इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड अदर प्रोसेसेस आर वेटिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन देन ओनली दोज प्रोसेसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन पार्टिसिपेट in deciding which will enter in the critical section next, and the selection cannot be postponed indefinitely. Progress means agar hamare paas koi aisi process hai jo critical section mein kaam apna khatam kar chuki hai aur iske alawa hamare paas एंट्री सेक्शन में कुछ प्रोसेस बची हुई हैं जो वेट कर रही हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, तो हम उनमें से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं और उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए अलाउ कर देते हैं ताकि वो वहां पे अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड अपनी टास्क के अकॉर्डिंग शेयर डेटा को एक्सेस कर सके. एंड थर्ड वन इज बाउंडेड वेटिंग. A bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical section after a process has made a request to enter its critical section and before that request is granted. Bounded waiting means jitni bhi process entry section mein wait kar rahi hoti hai to enter in a critical section, हमें वहां पे उन पे एक बाउंड लगाना पड़ेगा कि जब तक उनकी रिक्वेस्ट क्रिटिकल सेक्शन के लिए नहीं आती है और वो ग्रांट नहीं हो जाती है तब तक दीज प्रोसेसेस हैव टू वेट
in a entry section only. तो ये bound उन processes पे लगा हुआ होना चाहिए. एक बार और हम इन्हें discuss कर लेते हैं तीनों points को. Mutual exclusion एक restriction लगाता है कि अगर critical section में एक process execute हो रही है, तो हम किसी और process को allow नहीं करेंगे to enter in a critical section. Progress means अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है क्रिटिकल सेक्शन में, तो हम एंट्री सेक्शन में जितनी भी प्रोसेस वेट कर रही हैं, उनमें से एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में आने की परमिशन दे देंगे, जिससे कि वो शेयर्ड डेटा पे को एक्सेस कर सके. थर्ड इज बाउंडेड वेटिंग. बाउंडेड वेटिंग का मतलब है जितने भी प्रोसेस एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं to enter into critical section, उनपे एक bound होना चाहिए कि जब तक उनकी request critical section में enter होने के लिए नहीं आती है और वो grant नहीं हो जाती है, तब तक इन process को entry section में ही wait करना पड़ेगा. Now next topic is Peterson's solution. It is a classical software based solution to the critical section problem. In Peterson's solution we have two shared variables. पहला boolean type का एक flag होगा जिसको हम initially false decide करते हैं, initialize करते हैं. Initially no one is interested in entering the critical section. और दूसरा integer type का turn variable होगा, which means the process whose turn is to enter into the critical section. Let's take an example of it. We can see the code on the screen. Here flag I is equal to true means if there is a process which wants to enter into the critical section, and turn is equal to j means us process ka naam j hai. To yahan pe humne ek condition lagai hai, while condition, ki agar flag j and turn is equal to j hai, means flag j true है और turn is equal to j है. turn is equal to j हम ऊपर ले चुके हैं और flag की value already हमने true की हुई है, तो दोनों condition true होने पर हम process j को allow कर रहे हैं critical section में enter होने के लिए, और अब वो shared data को access करेगा. और जैसे ही flag की value false हो जाएगी तो वो critical section से out हो जाएगा और remainder section में in हो जाएगा. Now we will check whether Peterson's solution preserves all three conditions of critical section problem or not. First condition thi critical section problem ki mutual exclusion. Mutual exclusion is assured as only one process can access the critical section at a time. ये कंडीशन पीटरसन सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वहां पे हमने पहली स्टार्टिंग में ही जो वैल्यू फॉल्स की हुई थी, आप देख सकते हैं फ्लैग की वैल्यू हम ट्रू करेंगे एक ही बार, अदरवाइज वो वैल्यू हम हमेशा फॉल्स एज्यूम करके चलेंगे. नेक्स्ट इज प्रोग्रेस इज आल्सो एश्योर्ड एज अ प्रोसेस आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन डज नॉट ब्लॉक अदर प्रोसेसेस from entering the critical section. And last one is bounded waiting. Bounded waiting is preserved as every process gets a fair chance. Means Peterson's solution tino critical section problem ki conditions ko satisfy kar raha hai. Now we will discuss synchronization hardware. Some operating system offers log functionality where a process acquires a log when entering the critical section and release the log after leaving it. Kuch operating system ye facility provide karte hain ki jaise hi ek process critical section mein aata hai to us process pe log lag jata hai, critical section ab log ho jata hai ki no other process can enter into critical section now. और ये लोग तब तक लगा रहता है जब तक कि वो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता.
जैसे ही वो प्रोसेस अपना टास्क क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कंप्लीट कर देता है तो वो लॉक रिलीज हो जाता है। जब वो लॉक रिलीज हो जाता है, अब कोई भी प्रोसेस जो एंट्री सेक्शन में है वो क्रिटिकल सेक्शन में अपनी एंट्री कर सकता है। मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें लॉकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर एक लॉक लग जाता है अगर उसमें कोई प्रोसेस अभी करंट में रनिंग में है, और जब तक वो लॉक रिलीज नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कर पाएगा। सो व्हेन अनदर प्रोसेस इज ट्राइंग टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इट विल नॉट बी एबल टू एंटर एज इट इज लॉक्ड। इट कैन ओनली डू सो इफ इट इज फ्री बाय एक्वायरिंग द लॉक इटसेल्फ। जब तक उसका लॉक फ्री नहीं हो पाता है तब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री अलाउ नहीं करेगा। ये हमारा टॉपिक था सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। सो थैंक यू गाइस, होप आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।